अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। नाज़रीन, मी सेवा सेंटर्स हुकूमत की जानिब से इसलिए क़ायम किया गया था कि यहां से ज़रूरतमंदों की जो कार्रवाई है या उनके जो पेपर्स के जो अदखाल है उसमें आसानी हो सके ताकि अवाम को सहूलत हो सके, लेकिन यही मी सेवा अब जहमत का बायस बन गए हैं और ऐसे सेंटर्स बास एजेंटों ब्रोकर्स के लिए आमदनी का ज़रिया बनते जा रहे हैं। ऐसे कई एक शिकायत वसूल हो रही है, कई एक ज़रूरतमंदों से कई एक किस्म से कमीशन के नाम पर, उनकी मदद के नाम पर कमीशन और पैसे तलब किया जा रहा है। बहरहाल, इस सिलसिले में शादी मुबारक लक्ष्मी कल्याणम दरख्वास्तों में ऑनलाइन अदखाल के बाद दीगर उमूर के लिए और उमूर की तकमील करने के बहाने से गरीब ज़रूरतमंदों से भारी रकम वसूल करने की शिकायत पर MRO बंदागुड़ा पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने मुश्तरीका तौर पर कार्रवाई करते हुए कई एक दर्जन से जायद मी सेवा मराकस पर धावा किया। दरख्वास्तों की यकसुई के अमल में कमीशन तलब करने और करने वाले ऐसे मी सेवा सेंटर्स पर पुलिस केसेस बुक करते हुए उन पर कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में MRO बंदागुड़ा ने आज कार्रवाई करते हुए मीडिया को इस ताल्लुक़ से कुछ तफसीलात बताई। नाज़रीन, पेश है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अकरम अली की ये रिपोर्ट। बंदागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जितने भी एप्लीकेशन है, जो लोग पब्लिक जाकर ऑनलाइन कराने के लिए इंटरनेट सेंटर्स और मी सेवा ऑनलाइन सेंटर्स में जा रहे हैं, उनके पास जो मिडिल मैन है या ऑनलाइन सेंटर जो रन कर रहे हैं, वो लोग 15,000 से लेकर 20,000 तक डिमांड कर रही है। ऐसा हमको ये इंफॉर्मेशन आया है और थोड़े कंप्लेंट्स, जब हमारे लोग इंक्वायरी के लिए फिजिकल फाइल्स नहीं मिल रहे बोल के मेरे पास मेरे नोटिस में रखे, तो मैं वो एप्लीकेशन हमारे तक क्यों नहीं पहुँचा बोल के उसके लिए हम लोग इंक्वायरी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि जो ऑनलाइन सेंटर्स या इंटरनेट सेंटर्स इन ऑनलाइन करने के बाद ये लोग पब्लिक के पास पैसा डिमांड करते हुए, अगर वो पैसा नहीं देने से उनके पास ही फिजिकल फाइल रख के मंडल ऑफिस तक नहीं पहुंचा रही, इसलिए हमको एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन नहीं रहने की वजह से इंक्वायरी में भी हमको डिले हो रहा, इसलिए आज हम लोग जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट सेंटर्स है वो सेंटर्स पे तीन टीम बना के एक तहसीलदार और दो नायब तहसीलदार लीड करते हुए तीन टीम्स बना के हम लोग सरप्राइज रेड्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस ऑफिशियल्स आज कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम लोग एक बिस्मिल्ला ऑनलाइन सेंटर जो है उसके अंदर हम लोग अभी थोड़े डॉक्यूमेंट्स बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू ये शादी मुबारक, ये लोग अपने पास से शादी मुबारक ऑनलाइन करने के बाद इसके अंदर ये ओरिजिनल निकाहनामा भी इनके पास ही रखे हैं। इसका मतलब ये लोग उनसे पैसे डिमांड करने के लिए इनके पास ही ओरिजिनल निकाहनामा भी रखे हैं और इनके ऊपर हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी लेंगे। और जो पब्लिक है, हम लोग उनसे ये गुजारिश करते हैं, आप लोग ये जो मिडिल मैन है, जो दलारी है, दलाल है, वो उनके बातों पे नहीं जाइए, मत जाइएगा। और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद मी सेवा सेंटर में इमीडिएटली अगर आपका एप्लीकेशन हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन पहुंचेगा तो हम लोग विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर पे आके इंक्वायरी करके आपका एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन के अंदर कुछ कमियां है तो हम लोग आपको उसका हल भी बताएंगे। अगर ये एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट आप रीसबमिट कर सकते और हम लोग वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करती हूँ, आप लोग दलालों के और जो ऑनलाइन सेंटर्स है जो आप लोगों को गुमराह करके आपके पास पैसे वसूल कर रहे हैं, वो लोगों के बातों पे मत जाइएगा। आपके एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन कराने के बाद मीसे बंडलागुड़ा मंडल ऑफिस में आप इन्वर्ट सेक्शन में दे दीजिए, हम लोग उसको विद इन 30 डेज प्रोसेस करके भी जाते हैं।